नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नोबल आईटीएन पे। इस सीरीज़ के थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट की और उनसे जुड़े काम के स्टैटिक पार्ट की, जो कि आपकी नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथ देगा। स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सभी को नाम पता होता है, रामनाथ कोविंद हैं। लेकिन जो पता नहीं होता है वो है इनका नंबर। एक्चुअल में कभी कभी एग्जाम में आपने नोटिस किया होगा कि डायरेक्टली नंबर पूछ लेते हैं। अगर आपने काफ़ी कंपटीशन दिए होंगे तो आपको ये चीज़ क्लियरली पता होगी कि डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेते हैं कि किस नंबर के प्रेसिडेंट हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो हमारी लोकसभा है उसका नंबर अलग है और प्रेसिडेंट का नंबर अलग है। जैसे कि ये हमारे 16th प्रेसिडेंट हैं, लेकिन लोकसभा की जब हम बात करें तो लोकसभा का नंबर कौन सा है? 17th। ये हमारी लोकसभा कौन सी है? 17th लोकसभा। इसके इलेक्शन कब हुए थे? 2019 में। तो ये वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए मैंने इस चीज़ को ऐड किया है। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी तो सबसे पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे हमारे 9th of December 1946 से लेके 11th of December 1946, दो दिन के लिए, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब उसके बाद परमानेंटली अगर हम कहें जो प्रेसिडेंट रहे थे वो रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के राजेंद्र प्रसाद। जब हम बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, तो ये पोस्ट अभी अभी क्रिएट हुई है। 1st of January 2020 को इस पोस्ट को क्रिएट किया गया है। ये पहले हमारे CDS हैं बिपिन रावत, इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्मी डे हमारा 15th of January को सेलिब्रेट किया जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हमारे मनोज मुकुंद नरावने। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल फिलहाल में इन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो चंडी प्रसाद मोहंती अभी आपके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आपको याद करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। एयरफोर्स डे 8th of October को सेलिब्रेट किया जाता है। चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ वेरी इंपॉर्टेंट विवेक राम चौधरी, भदौरिया जी को रिप्लेस किया है इन्होंने। वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ संदीप सिंह, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेवी हमारा 4th of December को सेलिब्रेट किया जाता है, नेवी डे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हमारे करमवीर सिंह हैं और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हमारे SN घोरमोड़े हैं। अब बात करते हैं हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन की। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, आपने बहुत बार इसे सुना होगा। तीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सुनते हैं, BARC, DRDO और ISRO। सबसे पहले हमारी BARC पिक्चर में आई थी, एस्टेब्लिश हुई थी 1954 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, फाउंडर थे होमी जहांगीर भाभा और आज की डेट में इनके डायरेक्टर जो हैं वो हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। इससे ज़्यादा इससे कुछ नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट की बात करें DRDO की। DRDO BARC के बाद बनी 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। इसके बाद हम बात करते हैं इसरो की, वेरी इंपॉर्टेंट। एस्टेब्लिश हुई थी 15th August 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलोर, चेयरमैन है के सिवान। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है इन्हें। ये बहुत बार हमने देखा है कि छोटे मोटे एग्जाम्स में हमें ये चीज़ फेस करने को मिली है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम से। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो APJ अब्दुल कलाम जी का नाम आएगा, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो के सिवान का नाम आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं RBI की। RBI में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि RBI कब इस्टेब्लिश हुआ? 1st April 1935 में। हेडक्वार्टर RBI का है मुंबई। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है गवर्नर कौन है हाल फिलहाल में RBI के? शक्तिकांत दास। उसके बाद जो डिप्टी गवर्नर होते हैं, इसमें चार होते हैं, उनके नाम भी याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल फिलहाल में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। टी रविशंकर, राजेश्वर राव, MD पात्रा, MK जैन। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये भी इस बार इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि हाल फिलहाल में ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, अजय कुमार भल्ला। आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कर सकते, एक नंबर की बात है। एक दो नाम याद एक्स्ट्रा करने से कुछ नहीं होता, आप इसी वीडियो को दो चार बार देख लेंगे तो एग्जाम में टिक करने लायक आप बच जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिकेट की। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है क्रिकेट के बाद, सबके कान खड़े हो जाते हैं। जैसे ICC का हेडक्वार्टर हमारा है दुबई में, इस्टेब्लिश हुआ था 1909 में। प्रेजिडेंट हैं ग्रेग बार्कले, CEO हैं मनु सोहाने। उसके बाद BCCI की बात करें, हेडक्वार्टर है मुंबई, ईयर एस्टेब्लिशमेंट का है 1928। प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जय शाह को आप लोग जानते होंगे, सर डॉन ब्रेडमैन ने और सचिन तेंदुलकर ने इन्हीं से क्रिकेट खेलना सीखा था। जोक सपोर्ट, ये हमारे अमित शाह जी के बेटे हैं। आगे बात करते हैं हम रेलवे की।
अगर हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे बोर्ड जो बना था वो बना था 1905 में, और फर्स्ट ट्रेन जो हमारी चली थी, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, 1853 में मुंबई टू ठाणे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे मिनिस्टर जो है अश्वनी वैष्णव हैं, और चेयरमैन एंड सीईओ हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं, सुनीत शर्मा, इससे पहले वीके यादव थे। वीके यादव को हाल फिलहाल में एक अवार्ड मिला था, एमिएंट इंजीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड ऐसी कुछ था, आप चेक कर सकते हैं, जब मैं अवार्ड वाला सेक्शन आपको कराऊंगा उसमें कवर कर लूंगा। थोड़ा सा टाइम मैं चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे इस टाइप के वीडियोस बनाता रहूं। आगे बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है हमारी कंट्री में, इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बाय द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट, इसका कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, ठीक है, जब चाहे प्रेसिडेंट गवर्नमेंट की एडवाइस के साथ इसे निकाल भी सकता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका कुछ रोल नहीं है, इनका नाम है तुषार मेहता, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है, जैसे हम तुषार कपूर हैं बॉलीवुड में, जितना उनका काम है उतना ही इनका काम है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG, बहुत इंपॉर्टेंट है, GC मुर्मू, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे छोटे एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली अपॉइंटमेंट में GC मुर्मू का नाम आता है। अब बात करते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों अलग हैं। दीपक दास का हाल फिलहाल में अपॉइंटमेंट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है ये भी। आगे बात करते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, आपको मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, RTI, जब मैंने RTI के बारे में डिस्कस कर रहा था उनसे, तो मैंने आपको बताया था यशवर्धन कुमार सिन्हा आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। उसके बाद बात करते हैं चीफ ऑफ IB, IB का एग्जाम आप कई बार देते हैं, तो IB के जो चीफ हैं वो हैं अरविंद कुमार। चीफ ऑफ रॉ सामंत कुमार गोयल, आपके बराबर में जो हो सकता है आपकी आपके साथ बैठ के तैयारी का ढोंग कर रहा हो वो आपका रॉ का कोई एजेंट हो, ठीक है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नाम याद रखिएगा सामंत कुमार गोयल। डायरेक्टर ऑफ CBI सुबोध कुमार जायसवाल हाल फिलहाल में डायरेक्टर ऑफ CBI बने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमाना 48th हैं, ये नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्टली पूछा जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे सुशील चंद्रा हैं। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हमारी रेखा शर्मा बनी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन नरेंद्र बत्रा को सिलेक्ट किया गया है। हाल फिलहाल में PM ऑफ नेपाल भी चेंज हुए हैं थोड़े महीनों पहले, शेर बहादुर दियोबा। चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन आपके AK मिश्रा बने हैं। मैं इन सब में ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको नाम बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को कभी ईयरफोन लगा के देखते रहेंगे तो बार बार आप कम टाइम में ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आप इसे रिवाइज कर पाएंगे, अननेसेसरी की डिटेल में मैं नहीं घुसना चाहता। अब हम बात करते हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SC विजय सम्पाला, चीफ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे आपने कई बार सुना होगा NSG कमांडोज बोला जाता है, उनके जो चीफ हैं वो हैं MA गणपति। चेयरमैन ऑफ NADA नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के जो चेयरमैन हैं वो हैं सिद्धार्थ। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम कोच रमेश पवार को आप सब नहीं देखा होगा, अगर आप क्रिकेट देखते हैं, चश्मा लगाते थे, स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर। चेयरमैन ऑफ सिडबी की जब बात आई है तो मैं आपको इसके दो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। सिडबी की सबसे पहले फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद इसका इस्टेब्लिश ईयर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1990 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर लखनऊ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन है SRaman, दो चीज़ें और लिखना भूल गया, इसके साथ साथ दो चीज़ें पैरेलल चलती हैं, एक आपकी चलती है सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी भी इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है 1992 है, ईजिली याद कर सकते हैं, हर्षद मेहता का जो केस आया था वो 1992 में ही आया था। हेडक्वार्टर आपका सेबी का मुंबई है, और चेयरमैन की बात करें तो अजय त्यागी हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है NABARD। NABARD आपको पता है एग्रीकल्चर के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है, उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1982, हेडक्वार्टर है मुंबई, और आज का किसान बहुत चिंता में है, तो चिंता में है उसी के लिए उनका जो उनके जो चेयरपर्सन हैं वो भी GR चिंताला है, ठीक है, आप याद रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, जैसे याद करना चाहें, डायरेक्टली आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट, पंकज मित्तल, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह के चीफ जस्टिस याद करने, हर कोर्ट के याद करने जरूरी नहीं है, लेकिन पंकज मित्तल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि J&K हाल फिलहाल में UT बना है। CEO ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत, अगर हम बात करें चेयरमैन की तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ NASA बिल नेल्सन,
ठीक है। नासा में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है जो हमारे यहाँ डायरेक्टर की होती है उसे एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है, वो है बिल नेल्सन। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थॉमस बाक। अमेजोन के सीईओ अब बदल चुके हैं, एंडी जैसी सीईओ हैं अब अमेजोन के। उसके बाद यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस। लंबा नाम है, कोई जरूरत नहीं है सरदर्द करने की, टेड्रोस काफी है, याद रखिए, टिक करना है, नंबर चाहिए, ज्ञान नहीं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं आपके नोगोजी ओकांजो इवियाला। बार बार इस वीडियो को देखें, ईयरफोन लगा के देखते रहें, अपना कुछ काम कर रहे हैं, किचन में कुछ काम कर रहे हैं या कुछ भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, इसे चला लें। बार बार आप इनके नाम सुनेंगे तो एग्जाम में आप इन्हें टिक करने के काबिल रहेंगे। थैंक यू।